अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्स का फोर्थ एडिशन है, प्रॉब्लम 5.3, चैप्टर 5, मैग्नेटोस्टैटिक चल रहा है। वो कहते हैं रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है जिसको सपोर्टेड बाय मास एम है, जैसे फिग में दिखाया जा रहा है, हैंग वर्टिकली विद द वन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक जगह उसकी जो एक एंड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। विच पॉइंट इन टू द पेज, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है, शेडिड एरिया से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो कहता है फॉर व्हाट करंट आई, कि आई की क्या वैल्यू रखी जाए, इन द लूप द मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड एग्जैक्टली बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। अब जनाब हम जानते हैं कि अगर जो करंट चलेगा अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो एल क्रॉस बी जो होगा वो डाउन अपवर्ड होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स जो होगी दो सेगमेंट्स पे वो तो कैंसिल कर देगी, जैसे इस जगह पे दिखाया हुआ है उसने कि एक दूसरे का ये ऊपर और बॉटम ही रह गया। अब हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस भी होती है, ग्रेविटी की फोर्स आई एम जी होती है, तो हम 90 एंगल पे रख के परपेंडिकुलर तो कह सकते हैं कि भी साइन 91, तो आई बराबर आ जाएगा एम जी ओवर ए बी। ए क्या है, एक साइड की लंबाई, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना करंट अगर होगा तो हम कहेंगे वो बैलेंस कर देगी, जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो उसके वेट के बराबर होगी। अच्छा अब सवाल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वो कहता है क्या हो कि अगर हम करंट बढ़ा दें, करंट बढ़ाने से क्या होगा, जो अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स है वो मजीद एक्सीड कर देगी, जबकि ग्रेविटी तो हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड होती है। तो अब इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स तगड़ी हो गई नीचे वाली फोर्स से, तो इसको वो ऊपर उठाएगी, तो हम कहेंगे लूप ऊपर राइज करेगा। अब जो लिफ्टिंग होगी वेट की, यानी जो आपके पास वेट जिसको उठाया जा रहा है, हम कहेंगे ये तो वर्क हो रहा है, तो ये वर्क कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कर रही है। मगर हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक एच, मैग्नेटिक फोर्स आई ए बी एच आ जाएगा, एच वो डिस्टेंस होगा जितना उसे ऊपर उठाया जाएगा। अब करंट चूंकि अगर आप गौर करें तो करंट जो आपके पास चल रहा था वो आपके पास क्लॉकवाइज, इस तरह हम कह रहे थे क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क नहीं करती, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा तो पिछला सिनॉप्सिस यही था। तो हम कहेंगे जब लूप स्टार्ट करता है राइज करना, जो वायर के जो चार एक सेगमेंट ऑफ द वायर है उसके अंदर जो मूव करेंगे वो हॉरिजेंटली मूव नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि जो चार्जेस वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे वो एक अपवर्ड है क्योंकि उसे ऊपर उठाया जा रहा है, और जो आपके पास एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इफेक्टिव वेलोसिटी ये आ जाएगी। तो अब वी क्रॉस बी लेंगे तो फोर्स अब ऊपर की जानिब नहीं बल्कि इस तरह इंक्लाइंड हो जाएगी, तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक क्यू यू बी होगा एक क्यू डब्ल्यू बी होगा। अब हम कह सकते हैं कि ऊपर यहां से जो चार्जेस, हम कह सकते हैं कि जो आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट है डब्ल्यू एसोसिएटेड है करंट के साथ, आई बराबर है किसके, लैम्डा वी के। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, तो इसका अंदर पॉइंट आपके पास वो स्ट्रेट अप नहीं जाएगा बल्कि टिल्ट कर गया, जैसे मैं पहले बता रहा था। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा चार्जेस का वो हम कहेंगे वी की डायरेक्शन में है, तो आपके पास हम कहेंगे डज वर्क ऑन द क्यू। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्यू डब्ल्यू बी है, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा इसका नेट फोर्स निकाली जाए तो क्यू लैम्डा ए के बराबर आ जाता है अपर सेगमेंट पे, तो वर्टिकल फोर्स आ जाएगी लैम्डा ए डब्ल्यू बी, क्यू की जगह हमने लैम्डा ए डाल दिया ना। तो अब आपके पास ए और डब्ल्यू, ए फॉर अब आप कह सकते हैं कि भाई ये आई के बराबर है तो आई ए बी आ जाएगा। तो अब आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखे क्यू यू बी जो अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को, क्योंकि हमारा फ्लो अगर इस तरफ है तो ये फोर्स इसके, ये तो लेंसेज लगा वाली एक स्टोरी शुरू हो जाती है कि ये हमें बताता है कि भाई आपके पास कंजर्वेशन के बारे में। तो जो चार्ज मेंटेन करता था करंट को हम कहेंगे कि पुश करेंगे चार्जेस को अलोंग और अगेंस्ट द बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक ये वाला कंपोनेंट हमारे चार्जेस को आगे जाने से रोक रहा है तो हमें उसे वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल हॉरिजेंटल फोर्स जो होगी लैम्डा ए यू बी आ जाएगी, डीन डी टी टाइम में हम कहेंगे डी बराबर आ जाएगा अगर डी टी के, तो आपके पास लैम्डा ए बी यू डब्ल्यू डी टी आ जाएगा, ये लैम्डा ए बी एच ए एच के बराबर आ जाएगा। उसे लैम्डा ए को हम जानते हैं ना कि भाई लैम्डा डब्ल्यू किसके बराबर, आई के बराबर है, तो आई में शिफ्ट कर दिया, आई आ जाएगा, तो यहाँ से इस तरह ये यू डी टी है ना, तो यू डी या डब्ल्यू डी टी से हम एच के बराबर रिज्यूम कर देंगे। तो अब वर्क हुआ जी हुआ, मगर किसने किया, बैटरी ने किया, तो मैग्नेटिक फोर्स ने किया क्या। अब वो जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक बैटरी की फोर्स थी वो चार्जेस को हॉरिजेंटली पुश दे रही थी,
तो उसने उस मैग्नेटिक फोर्स ने उसको डायरेक्शन बदली उस फोर्स की, और उसे कैसे कर दिया, वर्टिकल कर दिया। सिर्फ ये किया उसने, और कोई काम नहीं हुआ। तो इस मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ वर्क नहीं कर रही, जाके बैटरी की जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को क्या कर रही है, डाइवर्ट कर रही है हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।